हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन एट डिजाइनिंग। सो क्वेश्चन एट डिजाइनिंग में आपने वंस यू आर थ्रू विद दी सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्या आपके क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यूज करेंगे आप, क्या वो क्लोज एंडेड होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका क्वेश्चनेयर्स होगा उसमें क्वेश्चंस आप किस तरह के डालेंगे। तो क्वेश्चन एट डिजाइनिंग में आपने क्वेश्चन एट डिजाइनिंग का प्रोसेस पूरा देखा और किस तरह के क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं और कुछ गाइडलाइंस जो क्वेश्चनेयर बनाते टाइम आपको कंसिडर करनी होती है। उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट आता है स्केलिंग। सो स्केलिंग हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हम यूज करते हैं या स्केलिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। सो पहले तो स्केलिंग क्यों करते हैं, सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चनिंग इज अ वाइडली यूज स्टिमुलस फॉर मेजरिंग कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट। सो जो भी वेरिएबल्स, जो भी कंस्ट्रक्ट आपके स्टडीज में है, चाहे वो परफॉर्मेंस है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो एम्प्लॉय रिटेंशन है, जो भी आपके कंस्ट्रक्ट हैं उनको मेजर करने के लिए आप क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस अबाउट पार्टिसिपेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड द टेस्ट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। सो आप क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, पार्टिसिपेंट्स का एटीट्यूड मेजर करना टुवर्ड्स द टेस्ट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। सो रेस्पॉन्सेज किस तरह के आ सकते हैं, कुछ रेस्पॉन्डेंट बोलेंगे थर्स्ट क्विंचिंग, कुछ बोलेंगे सोर, कुछ बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बबली, कुछ कह सकते हैं ऑरेंज टेस्ट है, कुछ कहेंगे सिरपी है। सो ये रेस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। ये जो आंसर्स होंगे दे कुड नॉट और दे अलोन डू नॉट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिसर्निंग डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ फेवरेबिलिटी। सो ये जो आंसर्स आपको मिलेंगे, ये स्टेटमेंट्स हैं या वर्ड्स हैं, ये डिग्री ऑफ फेवरेबिलिटी या जो एटीट्यूड है पार्टिसिपेंट्स का उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड स्केल अगर आपके पास है सो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं टेस्ट प्रोफाइल ऑफ योर रेस्पॉन्डेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका टेस्ट प्रोफाइल क्या है टुवर्ड्स दी सॉफ्ट ड्रिंक। सो अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्टेड, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड स्केल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स का एटीट्यूड को टुवर्ड्स दी टेस्ट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। So, इसलिए हमें स्केल, एक प्रॉपर स्केल हमें चाहिए होता है। जब भी हम क्वेश्चनेयर्स सेट करते हैं, क्वेश्चनेयर्स क्वेश्चंस को हम डिसाइड करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हमें स्केलिंग जो नेक्स्ट स्टेप है, स्केलिंग हमें या स्केल्स हमें यूज करने होते हैं। सो स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू नंबर्स। सो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अब क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको जब आप नंबर असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं स्केलिंग। और आपके यूजुअली जो स्टेटमेंट्स हो सकती है वो एटीट्यूड को मेजर कर सकती है, ओपिनियन को, फीलिंग्स को। तो जब आप नंबर्स असाइन करते हैं उन टेक्स्ट स्टेटमेंट्स को, अपने आइटम्स को, अपने क्वेश्चंस को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलिंग। सो स्केलिंग की डेफिनेशन अगर हम चेक करें, स्केलिंग इज द प्रोसीजर फॉर द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू इम्पार्ट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स टू द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन। सो आप जब असाइन करते हैं नंबर्स को टू योर क्वेश्चंस उसे हम कहते हैं स्केलिंग। स्केल इन बिजनेस रिसर्च आर जनरली कंस्ट्रक्टेड टू मेजर बिहेवियर, नॉलेज और एटीट्यूड। सो इसलिए आप स्केल्स को यूज करते हैं। सो आप इजीली बिहेवियर को मेजर कर सकें, कंज्यूमर के रेस्पॉन्डेंट्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को। व्हेन द डेटा कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स अगर आपके पास है, जैसे नॉलेज है, परफॉर्मेंस है, कैरेक्टर है, तब भी आप स्केलिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इजीली मेजर सच क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। सो स्केलिंग टेक्निक्स या स्केल्स की बात करें तो दो तरीके के स्केल्स हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्केल्स, जिसमें आप कंपेयर करते हैं। दूसरा है नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। नॉन कंपैरेटिव स्केल्स में हम जनरली रेटिंग स्केल्स यूज करते हैं, और रेटिंग स्केल्स हम कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल और आइटमाइज रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं। एंड आइटमाइज फर्दर डिवाइड होते हैं लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल। और कंपैरेटिव स्केल्स की बात करें उसमें हम पेयर्ड कंपैरिजन करते हैं पेयर्स के बीच में, रैंक ऑर्डर आप रैंकिंग देते हैं, कांस्टेंट सम एंड क्यू सॉर्ट। सो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केलिंग। तो आपने देखा स्केलिंग इज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू योर ऑब्जेक्ट्स जो या फिर टू योर क्वेश्चंस। और स्केलिंग, व्हाई वी यूज स्केलिंग, सो दैट यू कैन इजीली डिस्क्राइब द एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग्स ऑफ योर रेस्पॉन्डेंट्स। स्केलिंग टेक्निक्स टू टाइप्स हैं या टू टाइप्स ऑफ स्केल हम यूज करते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपैरेटिव स्केल्स। इन कंपैरेटिव स्केलिंग द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। सो जब आप रेस्पोंडेंट से पूछते हैं कि
कोई एक को, कोई दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके और किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप रेस्पॉन्डेंट्स को बोलते हैं कि कंपेयर करिए दो ऑब्जेक्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर कैन आस्क द रेस्पॉन्डेंट वेदर दे प्रिफर ब्रांड ए और ब्रांड बी ऑफ डिटर्जेंट. सो इस तरह के क्वेश्चंस आप यूज करते हैं कंपैरेटिव स्केल्स में. नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग में आप इन नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग रेस्पॉन्डेंट्स नीड ओनली इवेल्युएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट. सो आप सिंगल ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करते हैं. देयर इवेल्युएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट विच द रिसर्चर इज स्टडिंग. सो नॉर्मली जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लाइकिंग आप देख रहे हैं कस्टमर्स की, या फिर आप प्रेफरेंस देख रहे हैं, या फिर कितना जो कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को कितना लाइक कर रहा है, सो इस तरह के जो क्वेश्चन जब आप यूज करते हो दैट इज नॉन कंपेरेटिव. सो आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, इंडिविजुअल सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका एटीट्यूड कंज्यूमर का, उसकी फीलिंग्स, उसका जो बिहेवियर है उस प्रोडक्ट की तरफ, वो उसको आप मेजर करते हैं विदाउट कंपेयरिंग. सो इसलिए हम नॉन कंपेरेटिव स्केल्स कहते हैं इसको. सो फर्स्ट कंपैरेटिव में है पेयर्ड कंपैरिजन स्केल. सो दिस इज अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक इन विच अ रेस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट दैट इज रेट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया. सो दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप जो रेस्पॉन्डेंट है उसको आप कहते हैं टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. द डेटा ऑब्टेन्ड आर ऑर्डिनल इन नेचर. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट. सो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो. सो इसमें जो डेटा ऑब्टेन होता है दैट इज ऑर्डिनल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, देर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, लिम्का. द रेस्पॉन्डेंट कैन प्रिफर पेप्सी टू कोक और कोक टू स्प्राइट. पेयर्ड कंपेरिजन इज यूजफुल वेन द नंबर ऑफ ब्रांड्स आर लिमिटेड. सो जनरली वेन यू हैव टू ब्रांड्स यू कैन यूज पेयर्ड कंपेरिजन स्केल. देन यू हैव रैंक ऑर्डर स्केल. सो बाई द नेम इट सेल्फ यू आस्क द रेस्पॉन्डेंट टू रैंक द प्रोडक्ट. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक इन विच रेस्पॉन्डेंट्स आर प्रेजेंटेड विद सेवरल आइटम्स साइमल्टेनियसली एंड आस्क टू रैंक दैम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. सो आप रेस्पॉन्डेंट्स को कहते हैं इन प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी आइटम्स हैं उनको रैंक करिए इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी. सो दिस इज एन ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा आपको यहाँ मिलता है एंड दैट डिस्क्राइब दी फेवर्ड और अनफेवर्ड ऑब्जेक्ट्स बट डज नॉट रिवील द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली ऑर्डिनल में हमने डिस्कस करा था कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज नॉट इक्वल. सो जब भी आप रैंकिंग करवाते हैं आइटम्स की तो यू कैन यूज रैंक ऑर्डर स्केल. रैंकिंग स्केल्स कंस्ट्रेंट द स्टडी पार्टिसिपेंट टू मेकिंग कंपेरिजन एंड डिटरमाइनिंग ऑर्डर अमंग टू और मोर प्रॉपर्टीज. देन यू हैव थर्ड कॉन्स्टेंट सम. सो इन दिस स्केल द रेस्पॉन्डेंट आर आस्क टू अलोकेट अ कॉन्स्टेंट सम ऑफ यूनिट्स सच एज पॉइंट्स, रुपीज, चिप्स अमंग अ सेट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया. सो जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपने एट्रीब्यूट दिए कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी प्रोडक्ट के और आपने एक रेस्पॉन्डेंट को कहा कि इन सारे एट्रीब्यूट्स, प्राइस, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग, लेदर, इन सारे एट्रीब्यूट्स को आप कुछ पॉइंट्स लोकेट करिए और जो टोटल सम है दैट इज जीरो. सो इसलिए कॉन्स्टेंट सम स्केल से हम कहते हैं टोटल सम इज 100. सो रेस्पॉन्डेंट प्राइस को अगर उसको लगता है कि यस प्राइस इसका इंपॉर्टेंट है तो 50 पॉइंट्स असाइन करता है, फ्रेग्रेंस को 5, पैकेजिंग को 10. सो ऐसे जो क्वेश्चन जब आप यूज करते हैं तो, या फिर आपको ऐसे डेटा कलेक्ट करवाना है तो यू कैन यूज कॉन्स्टेंट सम स्केल. एंड लास्टली वी हैव क्यू सॉर्ट. क्यू सॉर्ट इज सॉर्टिंग. सो दिस इज अ कंपेरेटिव स्केल दैट यूजेज अ रैंक ऑर्डर प्रोसीजर टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथडोलॉजी इज दैट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मेक कंपेरिजन अमंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ रेस्पॉन्डेंट दैन रिस्पॉन्सेज बिटवीन डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट. सो एक रेस्पॉन्डेंट के जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होती है उसको जब आप कंपेयर करना चाहते हैं सो आप क्यू सॉर्ट स्केल यूज कर सकते हैं. सो द यूटिलिटी ऑफ क्यू सॉर्ट इन मार्केटिंग रिसर्च इज टू डिराइव क्लस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु डिस्प्ले सिमिलर प्रेफरेंसेस. सो जब आप वो इंडिविजुअल्स को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ऐसा अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्यू सॉर्ट स्केल यूज कर सकते हैं जिसमें आप जो रेस्पॉन्सेज होते हैं एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्डेंट के उसको आप कंपेयर कर सकते हैं. सो यू कैन कंपेयर द रेस्पॉन्सेज ऑफ अ रेस्पॉन्डेंट रैदर देन कंपेयरिंग डिफरेंट रेस्पॉन्स डिफरेंट रेस्पॉन्डेंट्स. सो क्यू सॉर्ट स्केल इज द फोर्थ टाइप ऑफ स्केल.
सो ये चार डिस्कस करें हमने अंडर कंपैरेटिव स्केल। स्केलिंग टेक्निक टू टाइप्स में डिवाइड है, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में यू कैन यूज पेयर्ड, जब आप दो प्रोडक्ट या आइटम को कंपेयर करते हैं। रैंक ऑर्डर, व्हेन यू वांट रैंकिंग, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बीच में रैंकिंग जानना चाह रहे हैं। कॉन्स्टेंट सम एंड क्यू सॉर्ट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केल्स अंडर स्केलिंग टेक्निक्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।